तो के आज फिर से आप लोग को मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मेरे पास फिर से बहुत सारा डेली की तरह आज फिर से बहुत सारा स्टॉक है जो कि मैं डेली यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए मैं डेली यहाँ पे देता हूँ, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे पास स्टॉक होता है तो मैं डेली यहाँ पे वीडियो डालता हूँ। आज फिर से कल 27 जून है तो कल के लिए मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, तो ज़्यादा नहीं है कल की तरह। बट कल जो मैंने स्टॉक दिया था आपको पता होगा कितना अच्छा वर्क किया था, आपको सुबह में पता ही होगा। सुबह मैं डेली लाइव भी आता हूँ इसके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो डाल दिया था, आप लोग जाके देख लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। ये मेरा D11 करके ये टेलीग्राम चैनल, उस पर जाके ज्वाइन हो जाना। बट यहाँ पे आज फिर से मेरे पास जो भी स्टॉक है उसके बारे में पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम निफ्टी 50 क्या ओपन होगा कल, ठीक है, इसके बारे में भी बताएंगे। ऐसे मैंने आज भी बताया था कि सुबह कि मार्केट जो ओपन होगा डाउन साइड के लिए ओपन होगा, और सेम चीज़ वही हुआ। तो आज क्या ओपन होगा उसके बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह भी कर देंगे कल क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलेंगे, थोड़ा आप लोग इग्नोर करना उसको। बट ये जो मैं स्टॉक लेवल ड्रॉ किया हूँ वो सारा चीज़ मैं रिसर्च पहले कर लिया हूँ, तो ये मत पूछना कि कैसे क्यों लेवल यहाँ पे ड्रॉ किए हो, क्योंकि उतना टाइम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर था आप लोग के लिए। तो पहला जो मेरे पास स्टॉक है टी इंडिया करके कंपनी है, इसको नज़र रखना, कल ये निकल सकता है, ठीक है। कल निकल सकता है अगर जो 4262 या हाँ 4262 के ऊपर अगर निकलता है थोड़ा सा, और अपसाइड के लिए रख सकते हो। बट इसका मेन ये सपोर्ट जोन है, इसको निकालने देना। अगर इसको ये थोड़ा सा एक सेकेंड हल्का ऊपर कर दो यहाँ पे ये, ठीक है, 4270 अगर इसको अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा 2-3% का हम लोग स्केल्पिंग यहाँ पर दिख सकता है। बट दूसरा हमारे पास जो है जील करके कंपनी है, ठीक है, इंटरटेन ये थी टीवी शो के रिलेटेड है, टेलीकॉम कंपनी से, इसको नज़र रखना। इसको भी ये ब्रेकआउट कर सकता है कल, 157 इसका मेन इसका सपोर्ट जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेकआउट करने देना। अगर इसको निकालता है तो हम लोग अच्छा से यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ कैप्चर करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का नज़र में रखेंगे ये सारा स्टॉक कल इंट्राडे और स्विंग के लिए जो भी है। बट एक हमारे पास आइबीरियल एस्टेट करके कंपनी है, एल एस्टेट, हाँ आइबीरियल एस्टेट करके कंपनी है, इसको नज़र रखना। ये 157 के ऊपर निकलता है, सॉरी 158, ठीक है, वो 158 के ऊपर अगर निकलता है तो आप लोग इसको नज़र रखना, ये काफ़ी अच्छा मोमेंट यहाँ पे हम लोग को दे सकता है। इस पे नज़र रखेंगे हम लोग ये स्टॉक जो हम लोग के। बट हम लोग सुबह लाइव आते हैं, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, सुबह हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, 1-2 घंटा के लिए हम लोग लाइव भी आते हैं। बट इसमें ये DLF कंपनी है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला ही कंपनी है, इसको नज़र रखना, काफ़ी अच्छा ये मूव कर रहा है। मतलब आप लोग अगर 52 वीक में अगर देखते हो, 30 दिन में काफ़ी अच्छा ये मूव किया है। अभी थोड़ा सा डाउन साइड किया रहा है के लिए आया है, बट अगर आप लोग चाहते हो 1 वीक के लिए होल्ड करने हैं तो आप इसको बेसिकली होल्ड कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग 1 वीक या 1 मंथ के लिए आपको होल्ड करना है यार, कर लो ये स्टॉक, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ। और ऐसे मैं बहुत सारा स्टॉक भी बताया, ये आज के लिए मेरे पास ये स्टॉक है DLF करके। ऐसे आप लोग कल ये ब्रेकआउट करता है तो आप लोग कितना है 335, सॉरी 835, 835 के ऊपर निकलता है तो आप लोग इसको बाइंग कर सकते हो। बट क्योंकि उसके बाद एक अच्छा सा मूव आएगा, अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो 1 वीक के लिए तो कल आप लोग बाइंग कर लेना जहाँ से भी मार्केट ओपन होता है, ठीक है। बट डाउन साइड के लिए नहीं होना चाहिए, डाउन साइड के लिए जाता है तो हम लोग रुकेंगे थोड़ा सा। बट अगर अपसाइड के लिए आता है तो हम लोग बाइंग कर लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोग को लग रहा है ये मार्केट काफ़ी अच्छा रिकवर करेगा। और यहाँ पे जो जिस तरह से ये भी मतलब मार्केट चल रहा है, इसमें जिस तरह से कंपनी को भी डील वगैरह आ रहा है, जिस तरह से काम कर रही, काफ़ी अच्छा है, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी भी है, तो इसको नज़र रखना, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके बैठा हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ आप लोग देख लेना बाद में जाके। बट मैं जो बता रहा हूँ आप लोग 1 वीक के लिए चाहते हो तो इसको होल्ड कर लेना, ठीक है। ये मेरे तरफ से मेरा एक स्टॉक हो गया, ठीक है। एक और कंपनी है रतन इंडिया, ठीक है, आरटीएन इंडिया है, ठीक है, आरटीएन इंडिया कंपनी है, ठीक है, इसको भी नज़र रखना। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, रतन इंडिया हो सकता है ना, हाँ रतन इंडिया है, ठीक है, तो इसको नज़र रखना। ये हम लोग का 84 जो है 84 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो इसको हम लोग ले सकते हैं। बट इसमें नज़र रखेंगे कल, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हम लोग को लगता है, यहाँ पे मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। और एक और भी मेरे पास है वैग करके कंपनी है, इसको भी नज़र रखना। ये सॉरी कल मैंने दिया था ये स्टॉक सुबह तो ये निकला था, बट यहाँ पे भी देख लो कल ये हम लोग का स्टॉक, सॉरी लेवल यार कहाँ चला गया,
1300 के आसपास हम लोग का ये होने वाला है। अगर इसको एक बार एकआउट करता है तो हम लोग अपसाइड के लिए लिख लेंगे, थोड़ा सा हम लोग बेट भी कर सकते हैं, बट देखते हैं अगर मोमेंट आता है तो हम लोग इसको कैप्चर भी करेंगे। बट ये काफ़ी अच्छा यार मूव किया था, कम से कम 8-9% का, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग नज़र रखेंगे, ठीक है। एक इंडिया इंडियन सीमेंट करके कंपनी है, ठीक है, इंडियन सेम शॉर्ट में यार निकला हुआ, ठीक है, इंडियन सेम, ये आप लोग देख लो यहाँ पे नाम है, इसको नज़र रखना। कल अगर ये ब्रेकआउट करता है ये कितना है 266 इसके ऊपर निकालता है तो इसको हम लोग नज़र रखेंगे, और निकालता है तो आप लोग बाइंग करना, ठीक है। ऐसे मैं सुबह और भी मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं था उतना तो मैं नहीं ढूंढ पाया, अगर सुबह मेरे पास और भी स्टॉक आता तो मैं वहाँ पे लाइव में आके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। सुबह आप लोग लाइव जुड़ जाना, ठीक है। बट एक बजाज फाइनेंस है, इसको भी नज़र रखना, ये पक्का ब्रेकआउट करने वाला है कल यार, मुझे लगता है जहाँ तक 7177, ठीक है, मतलब कि 7177 ये इसका मेन रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेकआउट करता है इसको हम लोग अपसाइड के लिए बाइंग करेंगे। आप लोग अगर आप लोग 1 वीक के लिए होल्ड करना चाहते हो 2-3 दिन के लिए स्विंग के लिए, तो आप लोग बेसिकली इसको कर सकते हो, ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप लोग इसको नज़र रख सकते हो, ठीक है। एक और कंपनी हमारे पास है, CSE करके कंपनी है, इसको नज़र रखना, कल अगर जो 70 के ऊपर निकलता है 170 के ऊपर, इसको आप लोग बाइंग करना, ठीक है। इस पर हम लोग नज़र रखेंगे ये सारा स्टॉक, ठीक है, जो मैं लॉन्ग टर्म के होल्ड करने के लिए बता रहा हूँ उसी को सिर्फ करना, बाकी मैं इंट्राडे स्विंग के लिए जो आप लोग 1-2-3 घंटा के लिए आप लोग होल्ड करते हो मार्केट में, तो उस तरह से ये सारा मैं स्टॉक बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2 घंटा के लिए आप लोग होल्ड करना चाहते हो तो उसको होल्ड करना, बट जो मैं 1 वीक के लिए 1 मंथ के लिए बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ, आप लोग उसमें भी एंट्री कर सकते हो। फिर अगला नेक्स्ट कंपनी है बेडल करके कंपनी, BEDL, ठीक है, इसको भी नज़र रखना, ये भी मेरा कल टारगेट पे रहने वाला नज़र पे, अगर ये 446 के ऊपर ब्रेकआउट करता तो मैं इसको बाइंग करूँगा, इसको नज़र रखना, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, मुझे ऐसे में लेवल वगैरह निकाल लिया हूँ, उतना ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, तो शॉर्ट में सारा चीज़ मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, बस इतना जान लो मैं डेली यहाँ पे स्टॉक देता हूँ और भी अच्छा से वर्क करता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लेवल वगैरह यहाँ पे निकाल दूँ, इसके पीछे मैं मेहनत पहले से कर चुका हूँ, ठीक है। कैसे क्या और भी बहुत सारा स्टॉक था, मैं सबको बता सकता था, बट यही क्यों तो उसके पहले मैंने रिसर्च कर लिया, ठीक है, ऐसा बात नहीं, ऐसे सुबह में लाइव आता हूँ वहाँ पे भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बकवास करने से फ़ायदा है नहीं, बट हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में देख लेते हैं कल क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सॉरी यार, माफ़ करना, जल्दी जल्दी बोल रहे, वीडियो लंबा हो जाता है यार, तो ये देखना ये हम लोग का जो कल का, आज भी मैंने बताया था कि मार्केट जो ओपन होगा डाउन साइड के लिए ओपन होगा, डाउन साइड हुआ था फिर धीरे से यहाँ से रिटेस्ट किया था, उसके बाद अपसाइड के लिए निकला था, बट मैंने ये लेवल भी दिया था 2377, ठीक है, सॉरी 23,777, ठीक है, ये लेवल मैंने दिया था, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड के लिए एक अच्छा सा मूव आएगा, और सेम चीज़ वही हुआ, और मैं कल बता दिया था, आप लोग चाहो तो देख सकते हो वीडियो में जाकर। बट आज के लिए कल का जो मार्केट ओपन होने वाला है 23,900 का जो ये लेवल है इसको आप लोग नज़र रखना, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, अच्छी बात है, अपसाइड के लिए हम लोग तो मूव देखेंगे 100 पॉइंट के लिए। बट इधर ये जो है लेवल इसका एक और भी है, इसको नज़र रखना 800 का, ठीक है, ये जो 23,800 का एक अच्छा सा ये लेवल है यहाँ पे, अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो हम लोग का एक और सपोर्ट जोन है 23,777, इसको अगर इसको भी पार कर देता है तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए एक अच्छा सा मतलब गंदा वाला फॉल देख सकते हैं मार्केट में, जो कि 23,666 इसका सपोर्ट जोन अगला बनेगा, ठीक है, इसको नज़र रखना। दो सपोर्ट जोन है, एक पहले 800 का जो है 23,800, फिर 777 का एक है, दो को इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग तीसरा वाले तो हम लोग देख सकते हैं, अगर इस वाले रेंज में फंसता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, बट यहाँ भी नहीं फंसना चाहिए मार्केट, ठीक है, रैली करना चाहिए डाउन साइड के लिए, बट मुझे लगता है मार्केट बहुत होल टाइम हाई पे है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है, तो अब डाउन साइड के लिए आएगा, बट कल जो मार्केट ओपन होगा वो डाउन साइड के लिए होगा, ठीक है, मेरा ओपिनियन है, आप लोग नज़र रखना, देखता हूँ काम करता है नहीं, बट वही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है, कल भी मैंने जो बताया था वही सेम चीज़ हुआ, डाउन साइड के लिए ओपन हुआ, और लेवल जो मैंने बताया था और वो उसी तरह से वर्क भी किया, उसी टाइम फ्रेम में रहा भी मार्केट, तो मैं आज फिर से बता रहा हूँ कल क्या होगा ये भी देख लो, कल मार्केट डाउन साइड के लिए मुझे लगता है नीचे के लिए ओपन हो सकता है, नीचे हल्का फल्का जो भी यहीं पर आसपास थोड़ा सा जो भी है, बट अपसाइड के लिए नहीं होगा, ठीक है, अपसाइड के लिए मत गैप अप गैप डाउन हो सकता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज की तरह हो सकता है, यहाँ पे हल्का फल्का ही पे रहेगा मार्केट, ठीक है, अपसाइड के लिए हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का जो लेवल है 5,200 52,666 इसको ब्रेकआउट करना चाहिए,
ब्रेक डाउन करना चाहिए डाउन साइड के लिए। अगर इसको निकालता तो फिर यहाँ 600 का एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है नीचे के लिए, ठीक है। इसको अगर निकाल देता है तो फिर हम लोग का एक और भी यहाँ पे, एक सेकेंड यार, 500 का है, ठीक है। दो तीन यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तो बट अगर ये 500 का ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है ये मार्केट यहाँ पे आके सस्टेंस करेगा, ठीक है। इसको नहीं, हाँ 400 के आसपास, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा छोटा सा गैप है, बट बहुत बड़ा गैप है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, अब देखो पता चल गया ना। तो ये इसको ब्रेकआउट करता है 600 के ऊपर, सॉरी अरे यार मैं कहाँ बोल रहा था, हाँ 666, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है ये वाला, तो अब डाउन साइड के लिए आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा सा गंदा सा फॉल देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक और भी सपोर्ट जोन है नीचे, बहुत सारा सपोर्ट जोन है यार, मतलब कि यहाँ पे साइडवेज होते हुए मार्केट नीचे के लिए आएगा, ठीक है। बहुत सारा सपोर्ट जोन है, एक दो तीन, फिर एक अगला नेक्स्ट है यहाँ पे, एक सेकेंड, 400 के आसपास है, ठीक है। 500 तो निकल गया, 500 का एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो फिर ये बहुत सारा सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेकआउट करने देना, बट कोशिश रहना चाहिए कि इस वाले रेंज में मार्केट ना फंसे, इसको ब्रेकआउट कर दे, तो उसके बाद इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे कल। बट मुझे लगता है मार्केट नीचे के लिए आएगा, बहुत हाई पे लगा चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो बस हम लोग का जो ओपिनियन है कल, मार्केट डाउन साइड के लिए है, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में इधर बता दिया हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो यार फिर, नहीं तो। तो आप लोग नज़र रखना, कल भी अच्छा खासा यहाँ पे वर्क किया था मार्केट, तो देखते हैं कल नेक्स्ट डे क्या होता है। आप लोग भी मेरे साथ ही होगा, मैं लाइव आ जाऊँगा। तो बस बंद करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।